मुझे अभी एक विंटेज कार देखी यार, ये देखो ऐसी कार है। शाम को भी सिग्नल पे रुकना पड़ेगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। और फाइनली टाइम आ चुका है घर वापसी का। तो आज मैं कोलकाता से निकल रहा हूँ अपने यहाँ से, अपने भाई के घर से, और अपना लगेज पुल्ली मैं सेटअप कर लिया हूँ। और आज इस राइड पे मेरा दोस्त नहीं है, वो ट्रेन से चला गया है, तो मैं अकेला जा रहा हूँ सोलो। आज समझ लो कि ये मेरा सोलो राइड होगा कोलकाता टू मालदा का। तो अपना ये हमेशा की तरह गाड़ी अपना लोडेड हो चुका है। और अब गोप्रो को माउंट करता हूँ और सीधा निकलते हैं यहाँ से। आपसे बातें करता हूँ रास्ते में। ओह, निकल चुके हैं और अब अपना टारगेट, तो ऐसे मैं तो सोलो हूँ तो ज़्यादातर कोशिश करूँगा चलने के लिए ही। अगर रास्ते में प्यास लगेगी या भूख लगेगा तभी रुकूँगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं नाश्ता कर लूँगा निकल कर। और टाइम अपडेट हो रहा है, 11 बज रहा है अभी, तो आराम से चलूँगा, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। जल्दी पहुँचना है वैसा कुछ भी नहीं है, आराम से 5-6 बजे तक भी पहुँचेंगे तो चलेगा। और अभी थोड़ा बहुत अभी फ्यूल अप कराना है बाइक को, फ्यूल अप करवा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेके, हर हर महादेव, ओम साई राम। अच्छे से बस पहुंच जाऊं अपने डेस्टिनेशन पे आज। आवा तो अपना पूरा गाड़ी रेडी हो जाएगा। चालीस कम था क्या? ठीक है चलो। तो हाँ, तो अब कुछ खाते पीते हैं और फिर राइड कंटिन्यू रखते हैं अपना। हाँ कुछ खा लेते हैं ना, भूख लगा है। हेलमेट में नहीं, कैसे खाएंगे? ऐसे खाएंगे क्या? ओ सब हो जाएगा, रखने में क्या है, वो हेलमेट पहन के खाएगा। तो अभी अपना नाश्ता कंप्लीट हो चुका है और अब निकल चुका हूँ सीधा मालदा के लिए। और अब रास्ते में अगर प्यास या फिर भूख लगेगा तभी रुकूंगा, नहीं तो ऐसे चलता रहूँगा धीरे धीरे आराम से। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है लेकिन आराम से चलता रहूँगा। और मुझे गूगल बाबा दिखा रहे हैं 7 घंटा 19 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट मैं 9 घंटा लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आराम से चलना वाला चलूँगा, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे अभी एक विंटेज कार देखी यार, ये देखो ऐसी कार है, देखने को बहुत कम मिलती है लिटरली भाई। ब्रिटिश की कार है, ब्रिटिश ज़माने की कार, विंटेज। ये रही ट्राम, सामने से मिल गई देखने के लिए। ट्राम को भी सिग्नल पे रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी है। एक अपना इंडिया है जहाँ पे आपको ट्राम देखने को मिलता है कोलकाता में सिर्फ, मालदा से कोलकाता। ये ब्रिज भाई बहुत जाम था रात के टाइम में, इतना ट्रैफिक, आप मेरे वीडियो में देखे ही होंगे, पूरा का पूरा रास्ता जाम। अब देखो कितना खाली खाली लग रहा है, आज संडे भी है तो ऑफिस टाइम भी नहीं है और लोग ज़्यादातर ट्रैफिक कम मिल रही है, और आज लोग घरों में छुट्टी मना रहे होंगे ऑब्वियसली सी बात है, तो ये सही है, ये सही मेरे लिए। ठीक है, अच्छा जी, सॉल्ट लेक चला जाएगा, रूबी चला जाएगा, ओके मुझे इधर ही लेना पड़ेगा।
एयरपोर्ट, हाँ ठीक है, सॉल्ट लेक न्यू टाउन उल्टा टंग, ओके हाँ ठीक है। तो फिलहाल हाईवे पे आ चुके हैं और अपना राइड करीब करीब 50 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट हो चुका है और अब आराम से बस ये अपना सिलीगुड़ी वाला रास्ता से पकड़ते हुए चलते चलना है। वेदर बहुत अच्छा है, बस ऐसे ही वेदर रहे, राइड कर कर मज़ा आएगा। तो अब कृष्णनगर घुसने वाले हैं और कृष्णनगर ऑलमोस्ट पता नहीं कितना का राइड कंप्लीट हो चुका है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है अपना 80 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट हो चुका है, 80 या 90। तो अब एक टी ब्रेक तो बनता है। ए यार, सामने जो गन्ने वाले जूस बेचते ना, गन्ने के जूस, वो दिख नहीं रहा है। सोच रहा था कोई गन्ने का जूस पी लेता मैं, तो थोड़ा बॉडी में एनर्जी आ रहा था। वो हाईवे के बगल में खड़े रहते, बट अभी आम वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। और अभी थोड़ा अभी ड्रिंक ब्रेक के बाद मैं 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी चला चुका हूँ और सामने बड़ा खड्डा आ गया। तो अभी डाइवर्जन वाला रास्ता मिल रहा है, अभी काम चल रहा है एक साइड में। और बहरमपुर यहाँ से करीब 60 या 65 किलोमीटर और बचा है। पास जो है मैं भी उस पर हूँ और टाइम पता नहीं, सच बताओ तो मैं फ़ोन पॉकेट में है तो मैं टाइम अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, पर टाइम मोस्ट प्रोबेबली 3 बज रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली 3। और ऑलमोस्ट फड़क्का पहुँचने वाले हैं और अभी तक कोई ब्रेक नहीं दिया, लास्ट वही ब्रेक था मेरा। नहीं, मैंने गन्ने का जूस पीने के बाद मैंने एक बार ब्रेक लिया था, मैंने वाटर ब्रेक लिया था बीच में थोड़ा देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। समय अभी बज रहे होंगे 4:30 से 5:30, जो कि मैंने थोड़ा देर पहले चेक किया था। और मैं मालदा पहुंचने वाला हूं, अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया है मालदा मेरा घर। और मैं हमेशा बोलता हूं और, तो और आज का राइड बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, आराम से काफ़ी कंफर्टेबल हुआ। हाँ, इसको मैं नॉन स्टॉप राइड दे सकता हूं, पर बीच में 2-3 ब्रेक मैंने लिया है, नॉन स्टॉप राइड मैं इसे बोल सकता हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा कोई ब्रेक नहीं लिया खाने के लिए या पीने के लिए, हाँ वाटर ब्रेक मैंने लिया और मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस और एक बार मैं वो गन्ने का जूस पिया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नॉन स्टॉप ही राइड करना था, बट गर्मी इतनी थी कि खाने का कुछ मन नहीं किया, तो सोचा कि अब ज़्यादा दूर है भी नहीं तो आराम से घर पर जाकर नहा धोवा कर मस्त फ्रेश होकर खाते हैं, शाम के टाइम में पहुँच जाएंगे तो शाम का चाय भी हो जाएगा। घर पहुंचने से पहले मैं एक बार अपना GoPro को ऑन करूंगा और सबसे बड़ी बात है कि मेरा GoPro का बैटरी मेरा साथ दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पता नहीं अचानक से कल रात मैं दिन से ट्राई कर रहा था GoPro को चार्ज करने के लिए, GoPro मेरा चार्ज नहीं हो रहा था। तो फिर कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली अब चार्ज देना शुरू किया, तो ज़्यादा तो चार्ज नहीं हो पाया था, 56% ही बैटरी था, बट मेरा काम हो गया, मेरा ब्लॉग निकल गया, तो
अब एक बार और ऑन करूँगा कैमरा जब मैं घर पहुँचूँगा। मालदा आ चुका हूँ अपने घर के पास सही सलामत, बढ़िया से राइड अपना कंप्लीट हो गया। ये वाला भी भगवान के दया से, बाबा के दया से काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि मैंने इसे चार्ज भी नहीं किया था और ये अभी भी चल रहा है, 2-3% बैटरी बचा हुआ है। तो अभी मैं साइनिंग आउट यहीं पे कर देता हूँ और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, आपका प्यार चाहिए और आपके सपोर्ट के बिना फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट ट्रिप भी कब होगा ये मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे, दुआ करोगे और अगर कमेंट अच्छे अच्छे आएंगे तो मैं नेक्स्ट ट्रिप जल्दी ही करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, साइनिंग आउट, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए।